दोस्तों बहुत सारे लोगों का डॉग ऐसे ऐसे करके खुजलाते रहता है, कभी पीठ पे खुजलाते रह गया और खुजलाते खुजलाते घाव भी कभी कभी कर लेता है, और इस चीज़ से डॉग तो परेशान रहता ही है, ऑनर भी परेशान रहते हैं। आज मैं आपको 100% सॉल्यूशन बताऊंगा, मात्र आपको 5 मिनट में रिजल्ट दिख जाएगा। दोस्तों मैं आपको इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वो मैं बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी लोग हो ना, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको दवाई चाहिए, बीमारी का कोई पता नहीं। सपोज कर लो कि आपके पेट में दर्द हुआ, तो पेट में दर्द बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपके पेट में गैस बना हो, किडनी में स्टोन हो, या बाल ग्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर किसी और ऑर्गन में प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करोगे कि मुझे तो मेडिसिन चाहिए, आप बीमारी जानने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन दोस्तों जो ये डॉग होता है उस पर आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हो, इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इचिंग इसके वजह से हो रहा है। तो दोस्तों हम अपने चैनल पर डॉग को बहुत ही अच्छे तरीके से केयर करना सिखाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपका डॉग हेल्दी रहे। और आप लोग बहुत जगह वीडियो देख लेते हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो डायरेक्टली मेडिसिन बता देते हैं, कुछ भी मेडिसिन बता देते हैं, वो बहुत ही गलत है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना है कि डॉग्स में ये इस तरीके का इचिंग क्यों होता है। अभी जो सीज़न है ना, उस सीज़न में एक इस टाइप का कीड़ा होता है जिसको फिलिया बोलते हैं, वो बहुत ही छोटा होता है। अब इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। दोस्तों आप सपोज करो कि सांप के मुंह में क्या होता है, विष होता है, आपको काटेगा तो आपको विष लग जाएगा। डॉग जो इन्फेक्टेड डॉग होते हैं उसके माउथ में क्या होता है, उसके माउथ में रैबीज हो सकता है, जिसको बिख बोलते हैं, वो हो सकता है। जो टिक्स होता है इसके मुँह में कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो कि आपके डॉग को टिक फीवर करवा सकते हैं। अब दोस्तों जो मच्छर होता है उसके माउथ में जो एनोफिलस मॉस्किटो होती है उसके अंदर भी प्रोटोजोआ होता है जो आदमी में मलेरिया करवा देता है। तो दोस्तों ये जो फिलिया होता है ना, इसके मुंह में एक तरीके का ऐसा कंपोनेंट होता है, जब आपके डॉग को काटेगा ना तो इचिंग सेंसेशन होगा, और बहुत ही तगड़ा वाला, ऐसा लगेगा कि मैं इसको पकड़ पकड़ के नोच लूँ। तो डॉग क्या करेगा, अपने माउथ से खच 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 करके पूरा काटने की कोशिश करेगा, और उसी के वजह से कहीं कहीं उसको दाग लग जाएगा, कहीं कहीं कट लग जाएगा, और उसके वजह से उसको घाव भी हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, आपका डॉग मतलब कि पागल पागल हो जाएगा। आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, मात्र 5 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा और एकदम सही कर सकते हो। दोस्तों इचिंग बहुत सारे कारणों के वजह से हो सकता है, जिसमें से ये एक कारण है। अब एलर्जी के वजह से भी हो सकता है, कहीं पे वो बैठ गया हो तो गंदगी के वजह से भी हो सकता है। तो एक बार लोकल डॉक्टर से आप चेकअप करवा लीजिएगा, नहीं तो आप उसके बॉडी में ऐसे ऐसे करके देखिएगा, पूरे बॉडी में देखिएगा, वो इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे करके देखोगे ना तो वो उछल करके भाग जाएगा, वो उड़ता नहीं है लेकिन वो उछलता है, उछलेगा यहाँ से, उछलेगा यहाँ चला जाएगा। तो वो बहुत ही मतलब छोटा टाइप का होता है, बहुत ही छोटा होगा। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बड़ा टाइप का है। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसको सही कैसे करना है ये जान लीजिए, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि ये जो कचकच करके जो पूरा काट ले रहा है ना, तो वहाँ पे घाव हो जाएगा, और घाव पे जैसे ही मक्खी बैठा, मक्खी अंडा देगा, और एक दिन में अंडा वो निकल करके पिल्लू बन जाता है, और आपके बॉडी में, डॉग के बॉडी में पिल्लू होगा, और एक बार पिल्लू हो गया तो अंदर अंदर पूरा छेद कर देगा। और यही चीज़ आप स्ट्रीट पे देखते होंगे, रोड पे देखते होंगे कि बहुत सारे डॉग के गर्दन पे जो पिल्लू खा लिया है, पूरा सर एकदम सर गया है, पूंछ सर गया है, पीठ सर गया है, तो ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कीड़ा होता है इसको कैसे ख़त्म करना है, वो भी बहुत ही सस्ते में। एक तो मैं आपको महंगा उपाय बताऊंगा, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग महंगे पर ही जाओ, अगर आपको सस्ता वाला यूज़ करना है तो सस्ता वाला भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों एक अमितराज आता है जो MSD कंपनी का है, वो डॉग्स पे टिक्स और फिलिया वगैरह को मारने के लिए ही है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स को वो मारता है, बट टिक्स और फिलिया का भी काम है तो उसमें वो निपटा देगा। तो आपको क्या करना है, स्प्रे ले लेना है, स्प्रे ले लीजिए, और अगर आपके डॉग में टिक है तो बात कर दीजिए, नहीं अगर फिलिया आपको दिखाई पड़ रहा है तो स्प्रे लेके पूरे डॉग के बॉडी पे स्प्रे कर दीजिए, या उससे बढ़िया होगा कि आप अपने डॉग का बाथिंग करने के बाद 1 लीटर में 1 से 2 ml आपको मिलाना है। बड़ा डॉग है तो 1 लीटर में 2 ml, छोटा ब्रीड है इंडियन स्पिट या कोई टॉय पॉम हो या चिहुआ हुआ हो तो उसमें 1 ml से भी कम हल्का डाल करके अब पूरे डॉग को अच्छे तरीके से नहलाने के बाद पोंछ दीजिए उसको, ताकि मतलब उसके आँख में नाक में ना जाए। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, खुद वो सूख जाएगा, तो जितना भी उसके बॉडी के अंदर वो फिलिया होगा वो सब मर जाएंगे, और जो टिक्स होगा वो सब मर जाएंगे।
लेकिन दोस्तों ये जो फिलिया होता है ना वो आपके घर में बेड वगैरह में भी चला जाएगा। तो जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ वो अराउंड 5-6 घंटे में वो ख़त्म हो जाता है। तो उस समय जो उसके बॉडी में होगा सब का सब 5 मिनट के अंदर मर जाएगा, लेकिन जो आपके घर में होगा वो सब फिर से घुस जाएगा। इसलिए जो घर में है उसको भी स्प्रे करके मार दीजिए। अब दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मैं इतना झंझट ना लूँ कि पूरे घर में भी साफ़ करूँ और डॉग को भी साफ़ करूँ और करते रहूँ, तो ये दिक्कत होगा। तो दोस्तों उसके लिए एक मेडिसिन आता है जिसको सिम्पारिका बोलते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, 500 रुपये का एक टैबलेट आएगा। तो ये क्या करेगा कि एक महीने तक आपके डॉग के बॉडी के अंदर ये चलता रहेगा और एक महीने तक आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके डॉग को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे टिक हो या फिलिया हो। अगर बॉडी में जो है वो मर जाएगा और फिर से कोई आया तो वो भी मर जाएगा, तो आपके घर में जितने भी होंगे उस सभी का साइकिल ख़त्म हो जाएगा और आपका डॉग एकदम हेल्दी और हैप्पी रहेगा। और दूसरा एक मेडिसिन आता है जो MSD कंपनी का है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो ब्रावेक्टो है। वो थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, अराउंड 1400-1500 रुपये का एक टैबलेट आपको आएगा, जो 3 महीने के आसपास तक चलेगा। तो आप वो टैबलेट यूज़ करिए या 10 रुपये का या 20 रुपये का ये जो अमित्राज है वो यूज़ कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट दोनों का इफेक्ट बहुत ही तगड़ा है, दोनों 100% काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो 10-15 रुपये का ये अमित्राज है तो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन इस पर आपको फ्रिक्वेंट तरीके से काम करना पड़ेगा घर में भी, नहीं तो आपके डॉग में फिर से आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको इचिंग पे गाइड कर दिया। हमारे चैनल पे ऐसे ही 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिसमें हम डॉग को केयर करने के लिए बताते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ और पोस्ट पढ़ना हो या फिर इस मेडिसिन का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, वहाँ भी आपको हमसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है एनिमल मार्ट, इसको मैंने बनाया है और इसमें मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी डाल ही रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इसको फिर डिलीट मत करिएगा, इंस्टॉल रहने दीजिए। मैं इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डालूंगा और हिंदी में भी डालूंगा, तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहेगा। तो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इसलिए धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।